खुदा के मुबारक लोगों, मेरे आदरणीय बुजुर्गों, बहनों भाइयों और बच्चों, आज की मॉर्निंग प्रेयर में आप सबका स्वागत है। मैं दिल से आपका धन्यवाद देता कि पिछली सुबहों की तरह आज भी आप खुदा के सामने हाजिर हैं कि हम आपके लिए दुआ मांगे। तो मैं आज आपके लिए एक आयत पढ़ना चाहता हूँ। ये नीति वचन की 28 और 13 है। इसमें लिखा गया है कि जो अपनी गलतियों और गुनाहों को छिपा लेता है वो कभी भी सफल नहीं होता, पर जो अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को मान लेता है और उसे फिर से ना करने का पक्का और पुख्ता इरादा करता है, उन पर दया की जाती है। ये खुदा का पवित्र कलाम है, खुदा की पवित्र वाणी है। इसके पढ़े और सुने जाने, ग्रहण किए जाने पर खुदा की बरकत हो, खुदा की आशीष हो। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बुजुर्गों, गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन अपनी गलतियों को अपने खुदा के सामने मान लेना और फिर वो गलती ना करना, इसे ही कहते हैं पश्चाताप। के खुदावन, हम पश्चाताप करते हैं, हमसे गलती हो गई है और आगे से हम गलती कभी नहीं करेंगे। ये सफलता पाने का एक राज है जो खुदा ने आपको बताया है। खुदा आपको बरकत दे, आपको आशीष दे। आज की ये आयत जो है वो आपके साथ बनी रहेगी कि हम आगे से गलती और गुनाह ना करें। दुआ का वक्त हो गया है, अपने आप को दुआ में लेकर के जाएंगे। अपने हाथों को जोड़ लीजिए, अपनी सरों को झुका लीजिए और जो लोग घुटनों पर आना चाहते हैं घुटनों पर आ जाइए। कादरे मुतले खुदा, आसमानी बाप, हमारे पिता, खुदा के इकलौते बेटे मसीहा, आज की सुबह के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं प्रभु के तूने हम सबको जिंदों की जमीन पे रखा है, अच्छी धड़कने दी हैं, अच्छे सांस दिए हैं, अच्छी सुबह दी है कि हम तेरी शुक्रगुजारी के लिए तेरे सामने आ सके हैं। आसमान तेरा सिंहासन है प्रभु और जमीन तेरे पैरों की चौकी है। तू अपने सिंहासन पर विराजमान हमारी दुआओं इल्तिजाओं को सुनता और कबूल करता है। अपने गैबी इलाही खजाने खोल करके हमें बरकतों से मालामाल कर देता है। हम बहुत मेहनत करते हैं प्रभु परमेश्वर महान, पर कभी कभी हमें कामयाबी नहीं मिलती है। सुबह से शाम तक जो लोग काम करते हैं प्रभु, गुजारा नहीं हो पा रहा, लेकिन तेरी अपरंपार कृपा अगर उन पर हो जाए प्रभु, तो वो तेरे शुक्रगुजारी नहीं बल्कि अपने आप को तेरे सामने पेश करेंगे। खुदावंद बाप, उनकी रोजी रोटी पर तेरी मेहरबानी बनी रहे। खुदावंद बाप, उनके काम काज पर तेरी मेहरबानी बनी रहे, उनके कारोबार पर तेरी मेहरबानी बनी रहे। खुदावंद बाप, और हर एक काम में, जिस काम में भी वो हाथ लगाते हैं प्रभु, उनमें सफलता मिले। सफलता देने वाला तू है प्रभु, और मेहनत करने वाले हम लोग हैं। खुदाया, अपनी मेहनतों में, अपनी बरकतों में, अपनी आशीषों में, जो कुछ तूने हमें दी हैं, अब उन सबको तेरे सामने रखते हैं। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाकरू के नाम से आमीन, आमीन। इत्मीनान से जाएं, अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अक्ल, अपनी सारी शक्ति से मोहब्बत रखें, तो खुदा आपको आसमान और ज़मीन की सारी बरकतें दे देगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।